गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई आज खर्चे वाला दिन है, मतलब कि आज आचल को दिलाना पड़ेगा मेरे को 14 प्रो। उसका जो फ़ोन है ना वो ऑलरेडी टूट चुका है पीछे से, मतलब जो उसका XR है और वो काफ़ी पुराना भी हो गया है, उसको फ़ोन चेंज करना था। तो मैंने तो पापा वाला ले लिया 13 प्रो मैक्स, क्योंकि पापा ने बोला कि मेरे को एप्पल समझ नहीं आ रहा, मेरे को एंड्रॉयड चाहिए। तो मैंने अपना S22 Ultra उनको दे दिया क्योंकि उनको वो पसंद था, और उनसे 13 प्रो मैक्स ले लिया उनका, क्योंकि वैसे मेरे को 13 प्रो मैक्स पसंद नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने ले लिया क्योंकि यार फिर वो बाहर इसको सेल करते, और ये जस्ट अभी आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा 2 महीने हुए हैं से ले हुए, तो उसका रेट मिलता नहीं, तो मैंने वो ले लिया। कोई नहीं, इससे व्लॉग मैं कर लूँगा, इट्स ओके। तो फिर भाई आचल को भी फ़ोन दिलाना था, मैंने आचल को बोला एक काम कर 14 प्रो मैं ले लेता हूँ, तू ये ले 13 प्रो मैक्स। अरे नहीं नहीं मैक्स बहुत बड़ा होता है, और वैसे भी पुराना फ़ोन मैं क्यों लूँ। तो वैसे भी ज़्यादा व्लॉग आचल ही करती है इस चैनल पर, और 13 की और 14 प्रो की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है यार, बहुत फ़र्क है। मतलब 48 मेगापिक्सल में और इसमें और ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इवन क्योंकि मैं जब गुड़गांव गया था तो मैंने अंकी का 14 प्रो देखा था, तो बहुत फ़र्क आया था उसमें, मतलब क्वालिटी में। और जब वाइड एंगल करते हैं इसका, तो उसमें 13 प्रो मैक्स में किसी फटती है वीडियो, लेकिन 14 प्रो में वो शॉर्ट है, वो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो 14 प्रो मैक्स दिलवाना है आचल को, और दिलवाना कौन सा है, जो उसमें नया एक कलर आया है पर्पल कलर का, वो मतलब मेरे को तो यार पर्सनली वो फेवरेट है, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है वो कलर। और एक कवर लेना पड़ेगा एप्पल से ही, वो मतलब स्टोर से ले लूँगा, एप्पल स्टोर से ले लूँगा उस कवर को। फ़ोन लूँगा मैं अपने दोस्त की शॉप से, इंदिरापुरम जानने वाले भी हैं, उनसे मैंने मंगा लिया ऑलरेडी फ़ोन, उनसे जाके बस उठाना है, इनको पैसे देने। और कवर जो है, केस जो है, वो मैं एप्पल स्टोर से लूँगा, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, अगर इतना महंगा फ़ोन ले रहे हो तो उसका केस ना थोड़ा अच्छा होना चाहिए, मतलब ऐसा ही लोकल केस नहीं लूँगा मैं, तो एक अच्छा सा केस लूँगा उसका। तो अभी चलते हैं और दिला के लेके आते हैं उसको। चलो उनकी जगह कीमत पड़ेगी ज्वेलरी की। तो जुगाड़ है भाई साहब, ये लो भाई एनिवर्सरी गिफ्ट दिला दिया फाइनली, फालतू मत बोल जाना मुझसे कभी भी। अभी तो टाइम है, लेकिन उसमें मैं इतने सालों बाद फोन करी हूं, वो भी गिफ्टेड करना यार इसे ओपन। भैया इससे ना गुल्ला रहने दो, कैंसिल कर दो उसका, खुल गया ऐसे ऐसे सीधा हो गया भैया। चलो भाई यार नाइस, अच्छा लग रहा है कलर लिटरली यार, किसी पे बढ़िया बढ़िया लग रहा है ना। हां अच्छा लग रहा है मुझे अभी कलर। पहले मैं सोच रही थी कि ब्लैक ले लेती हूँ, बट नाउ बदतमीज आदमी को देखो मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? फोन दिलाया। क्या लाया है भाई, देखो क्या लिया है, भर के बाल्टी और चुपचाप घुस रहा है जल्दी से अंदर, छुपा छुपा के क्या लेकर आया तू? तुमने बताया नहीं क्या? मैंने लोगों को कुछ नहीं बताया अभी, सो गाइस लोग खुद बताएंगे। देखो तो भाई एक सेकंड दिखाओ, मैं बताना भूल गया था। अभी देखो क्लैरिटी आपको कैमरे वाली दिख रही होगी, ये देखो, क्योंकि आचल को मैं इसमें डाल देता हूँ वीडियो में। आचल को मैंने दिला दिया iPhone 14 Pro, ये देख सकते हो। तो ये इसको भाई मतलब वो मतलब कह रही थी मुझसे कि मेरे को फ़ोन चाहिए, तो पहले मैं सोच रहा था मैं 14 Pro ले लेता हूँ, लेकिन मेरा वही 13 Pro Max जिंदाबाद। इसको 14 Pro इसलिए दिलाया क्योंकि ज़्यादातर ब्लॉग यही करती है, और ये 256 GB इसलिए दिलाया ताकि मैं रील बनाए। और इसने है ना क्वालिटी मुझे लग रहा है कैमरे की छेड़ दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है। पहले इसका वाइड एंगल चेक करते हैं। चलो भाई साहब बढ़िया, ये भाई ये है कि इस फोन को लेके ना कैमरे की नीड थी नहीं, है ना। और ये मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट है, मुझे एडवांस में मिल गया, लेकिन मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगी क्योंकि एनिवर्सरी में एक महीना। हाँ जी हाँ। सो भाई मेरे को तो लग रहा है कि अब ना सबको अपना कैमरा बेच देना चाहिए और आईफोन लेना चाहिए, क्योंकि भाई इसका वाइड एंगल ना 14 प्रो का जो कैमरा है ना भाई, नो डाउट बहुत अच्छा कैमरा है। 13 प्रो मैक्स का भी अच्छा है, लेकिन 14 प्रो का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, क्योंकि वाइड एंगल में है ना, जैसे वीडियो फटती है तो फटने नहीं देता। और ये भाई ये सब कैसे पड़ी है, ये किस पड़ी है, क्या पड़ा है अभी तुमने उठाया नहीं लड़ाई जो, क्या पड़ा हुआ है, चप्पल जूते और ये कप, क्या पड़ेगी? अरे वो तो मैं तो उसको भी लिया, तो पहले वो भी दिखाओ, पहले सामान तो देख लें क्या सही भी लाया है ऐसे ऐसे। देखो भाई इतना बड़ा थैला, थैला कितना बड़ा है, सामान है दो। अबे यार चुटके चुटके से देखना देखना गाइस, इतने बड़े थैले में दो सामान है यार, दो मेरा तो नहीं बताते जब मैं मंगाती हूँ कुछ। भाई इसने मुझे 2 बिस्कुट के पैकेट मंगाए, ठीक है, और मैंने उसको ठीक हाँ बिस्किट के पैकेट, हम तो बिस्कुट कहेंगे, और मैंने इसको 14 प्रो दिलवाया है। अब इस बिस्किट के पैकेट से ये मेरे फोन को कंपेयर कर रही है। अच्छा गाइस कमेंट करके जरा, पिस्ता के बिस्किट है, काजू कुकी है। तुम लोग ये सोच रहे होगे कि व्लॉग नहीं डाल रहे थे, इनसे मर मरा तो नहीं गए, लेकिन हम जिंदा है। लेकिन कमेंट करके ये जरूर बताना कि मैं भी 14 प्रो ले लूँ क्या, है या फिर
ये जो मैंने कैसे देखा इसने कैसे लुक दिया गाइस। मैं कह रहा था कि मैं भी 14 प्रो ले लूँ या फिर मेरा जो है 13 प्रो मैक्स है यही बेस्ट है। दिक्कत यह है कि यार ये देखो ये ना फोन हैंडी है, 14 प्रो हैंडी है, लेकिन ये ना ये वाला जो है ये थोड़ा ऐसा लगता है बड़ा सा, मतलब कि हाथ में ये देखना साइज देखना इसका ये देखो तो थोड़ा सा है ना मैक्स में दिक्कत आ रही है। लेकिन क्या बोलते हो आचल को 13 प्रो मैक्स देते हैं इसका 14 ले लेते हैं। मुड़गी भाई मुड़गी मुड़गी एकदम मुड़गी। तुम नहीं यही हो तुम। ये हालत देखो, हालत क्या हो चुकी है, कहाँ तक ये पड़े हैं, कहाँ मतलब हालत देख रहे इसकी, मतलब घने ही बुरा कर रखा है। क्या कर रही हो यार, पूरा रूम सेटल किया था ऑफिस से यार, मतलब हद हो रही है यार। गणपति जी के आगे क्या रख दिया मैंने, ओए ओए यार तमीज ही नहीं है यार गाइस। देखना यार क्या पागल हो गए सारे तक गिर रही है यार। जूम कर लेता हूँ भाई, अगर ये रिंग लाइट गिर जाती ना चल तो तुम्हारी खूबसूरती मिट जाती है और कुछ नहीं है। ओ वाह निशाने देखो, अरे बेकार निशान जी, क्या निशाना मारेगी रे तू है, ओए लग जाएगी भाई पागल वागल हो क्या यार। मुझे ऐसा लग रहा है इसकी मानसिक स्थिति थोड़ी ना सही नहीं है, खराब हो चुकी है सीरियसली। नहीं है, पकड़ो भैया इसका फोन वापस दो, लो भैया अपना फोन दो मेरे को, मेरा यार मुझे इसलिए गुस्सा आ रहा है। मैंने इसको बोला तो तीन चार चीजें पड़ी है उनको सेटल कर दो, ये कुछ भी सेटल नहीं करता है, पूरा रूम आके सेटल किया मैंने जबरदस्ती, कुछ नहीं करता मैं, कुछ नहीं करता नहीं, मैं सेटल करता हूं। तुम्हें पता है तकिए किस तरीके से लगाए जाते हैं बेड पे, अब देखते हैं इस लड़के को कितना काम आता है करना, यहां पे प्रूफ हो जाएगा। देखो एक तो वहीं पे छोड़ के आ गया फेंक के। कैसे लगाते हैं अनु, ऐसे लगाते हैं ऐसे लगते हैं नहीं 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 मैं चाहती हूँ कि जो जैसे बेड पे सेटल होते हैं, तुम्हें आज तक तुमने 100 बार देखा मुझे सेटल करते हुए, आई वॉन्ट टू सी। और जनता ऑल्सो, ये वाला लाइट बंद करो पीछे वाली, ये वाली हाँ, जनता ऑल्सो वॉन्ट्स टू सी। सेटल करो सेटल, देखो उसको मत निकलो फटाफट से। ये देखो भाई, ये देखो इसके सेटलमेंट देख लो। दो चीज़ मतलब इस लड़के को ना एक काम दे दो वो भी ठीक से नहीं कर सकता, पर ऐसे हम यहाँ पर सीओडी खेल सकते हैं कुछ इस तरह से। तो देखो और मैं ऐसे ना तुम्हारे बॉल पकड़ के और तुम्हें ऐसे अंदर आ जाऊंगा भाग गया ये। सो भाई एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ आज कि मतलब बहुत सारे लोग मेरे मोहल्ले वाले परेशान हैं, उनको लग रहा है कि भाई आचल की प्यार वो आ रहा है मुँह पे सूरज आ रहा है ऐसा डाल लेता हूँ, उन लोगों को लग रहा है कि आचल की सरकारी नौकरी लग गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, रीज़न मैं बता देता हूँ उन लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि आचल की ऑफिस से जो कैब आती है, मतलब आचल की ऑफिस से कैब आती है उसमें गनर बैठ के आता है, मतलब आचल के साथ जो आता है गनर आता है, तो उन लोगों को लग रहा है कि भाई गवर्नमेंट जॉब लग गई है शायद और अच्छे लेवल की। तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, सीन ये है कि आचल की जो ये कंपनी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और ये बैंक है, मैं नाम नहीं लूँगा बैंक का, और ये इंडिया का बैंक नहीं है लंदन का बैंक है, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, इवन उसकी फेवरेट कंपनी में से एक थी, इसलिए उसने वहाँ पे अप्लाई किया और उसकी वहाँ पे जॉब लगी, तो इसीलिए उसके साथ वो गार्ड बैठ के आता है, क्योंकि यार ये मतलब इन लोगों की पॉलिसी है कि प्रोवाइड कराना अपने एम्प्लॉयज़ को सिक्योरिटी, तो यही रीज़न है कि उसके साथ गार्ड वार्ड बैठ के आता है और गनर मतलब जो गन वन लेके आता है, और खुद से ही कंपनी कैब देती है, ठीक है वो कैब सुबह आती है और शाम को छोड़ने भी घर के गेट तक आती है, और सिक्योरिटी तो टचवुड इतनी अच्छी है कि जब तक कदम घर के अंदर ना रखे ना तो मतलब गार्ड बाहर ही खड़ा रहता है। और मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं सब ये कहते हैं कि भाई क्या सीन है ये गनर वनर के साथ आती है, तो भाई वो उसकी ड्रीम जॉब थी और उसने वो अचीव कर ली, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन आचल और प्राउड ऑफ यू। ये आचल मैम आ गई हैं ऑफिस से गनर के साथ, भाई साहब कैडी बात सिक्योरिटी, उसकी बंदूक रखी अंदर। बहुत मेरे लोग मेरा दिखे गुड नाइट, गुड नाइट भी बोल रहे हैं। तो सो इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, काफ़ी दिन में आया था, थोड़ा प्यार देना, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है यार, बहुत सारे काम है, मैं भी बिजी हूँ, वो अपना जॉब का मतलब जॉब पे चली जाती है तो थोड़ा वो भी थक जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके कोशिश कर रहे हैं कि ब्लॉग आए। लेकिन हाँ जो रेगुलर ब्लॉग डाल रहा हूँ मैं वो अपने डायना द बीस्ट पे डाल रहा हूँ, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा मेरा दूसरा चैनल बाइक का डायना द बीस्ट, तो वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर लो। गुड बाय, चेक कर अपने फैमिली के, लव यू गाइस, बाय।